आज हम जानेंगे जल की महत्ता। जल का उपयोग पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, जानवरों की प्यास बुझाने के लिए, फसलों के उत्पादन आदि के लिए किया जाता है। परंतु जल प्रदूषित हो रहा है, आज का विषय इसी से संबंधित है। जल प्रदूषण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कारखानों व उद्योगों का जहरीला रासायनिक कचरा और बोतलें, कपड़े आदि कचरे का शुद्ध जल में मिश्रण होने से जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं? आइए इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। जल निकायों में बड़ी मात्रा में कचरा फेंकना जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। कपड़े धोने, बर्तन धोने और नहाने वाले जानवर पानी में गंदगी और डिटर्जेंट डालते हैं, जिससे वे प्रदूषण का कारण बनते हैं। आवासीय क्षेत्रों से सीवेज, कारखानों से अनुपचारित अपशिष्ट व जहरीले रसायन जल निकायों में बहा दिए जाते हैं, जिससे वे जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। कृषि क्षेत्र में छिड़काव की जाने वाली दवाइयों में बड़ी मात्रा में कीटनाशक व उर्वरक होते हैं, जो आसपास के जल निकायों को प्रदूषित करते हैं। तेल ढोने वाले जहाजों में तेल का आकस्मिक रिसाव जल प्रदूषण का बढ़ता हुआ कारण है।